जबरदस्त। चलो भी निकालो इसको जल्दी से। बिस्मिल्लाह की बरकत। देखो कैसे हैं भाई साहब आप लोग। और फाइनली यहाँ फ्लोरिडा में भी बहुत दुआओं के बाद जो है ठंड आई गई है, थोड़ी सी 5 दिन के लिए आई है। और जो है ना वेदर अपडेट्स बहुत ही कमाल आ गई। हमारी रेजर की इलेक्ट्रिक स्कूटर, एडल्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, और जो है इसको अभी हम ओपन करेंगे इंशाल्लाह। और अप टू 15 miles यानी कि 24 किलोमीटर तक जो है ये जो है ना इसकी स्पीड है। और 10 miles यानी कि 16 किलोमीटर तक ये चल सकती है। 36 volt की इसकी बैटरी है। इम्प्रूव क्लाइंबिंग यानी कि जिससे पहले का मॉडल आया था उससे ये बेहतर मॉडल है। ऐसे करके इसका साइड स्टैंड आ जाता है। 18+ के जो लोग हैं वो चला सकते हैं इसको। और जो है इसका डिस्प्ले भी बड़ा अच्छा सा इन्होंने दिया हुआ है। तो इसको ओपन करते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर आपको दिखाते हैं। ओह ज़बरदस्त। चलो भी निकालो इसको जल्दी से। बिस्मिल्लाह की बरकत। तो भाई यहाँ पे इसकी असेंबलिंग करना शुरू होंगे। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है असेंबलिंग, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना वो सब कुछ इसमें रेडी आया है। सिर्फ हमें हैंडल जो है ना वो उसमें लगाना है और उसके जो है ना प्लग इन करनी है सारी चीज़ें। और एक इन्होंने बोल्ट दिया हुआ है वो हम जस्ट में एडजस्ट करेंगे एंड आई थिंक इट्स गुड टू गो। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 10 से 15 मिनट मुझे लगे इसको मतलब करने में। और ये जो है ना वो रेडी हो गई है और बड़ा खूबसूरत सा इसका डिस्प्ले है। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। अभी तो खैर बैटरी फुल दिखा रहा है, लेकिन मैंने पढ़ा था बॉक्स में इसको 12 घंटे कम से कम जो है ना वो चार्ज करना है ताकि फिर ये अच्छे से वर्क कर सके। और ये रेडी हो चुकी है। अभी इसको ट्राई करेंगे, पहले यहाँ तो नहीं बाहर चल के करेंगे। और ये चीज़ें देखें, साइड स्टैंड है इसका यहाँ पर। और इसकी ब्रेक लाइट भी दिखाता हूँ मैं आपको। ब्रेक लाइट दिखाना सर, ब्रेक लाइट है, ये ब्रेक लाइट है। और बाहर चल के ट्राई करते हैं यार, बाहर चल के देखते हैं इसकी स्पीड कितनी है और किस तरीके से है। ये इसका यहाँ पे चार्जर भी था, मैंने कहा चार्जर भी दिखा दूँ। चार्जर है ये इसका। और इन्होंने कुछ एसेसरीज़ दी थी, मतलब मेरे ख़्याल से ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना यहाँ पे देते हैं ज़रूर हैं, क्या बोलते हैं, की वगैरह जो होती है। और इसके जो बोल्ट टाइट करने का था वो था, लेकिन मेरे पास अपना जो था मैंने उसी से उसको यूज़ कर लिया था तो ईजी हो गया उससे। ये चार्जर है इसका और चार्जर पिन है, मतलब चार्जिंग पिन। यहाँ पर इस तरह से चार्जिंग पिन लगेगी और 12 घंटे चार्ज होगी। और इसकी हेडलाइट भी बड़ी ज़बरदस्त रोशनी है, मैं भी इसकी हेडलाइट दिखाता हूँ आपको। और ब्रेक लाइट तो मैंने खैर दिखाई दी आपको, वो काफ़ी है मतलब स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये नहीं कि बहुत लो क्वालिटी की है। $500 की एक्चुअल प्राइस थी, लेकिन ये कि मुझे डील में मिली है तो मुझे डिस्काउंट मिल गया डील में लेने से, ये बेनिफिट हो गया मुझे इसका। सो लेट्स गो, अब बाहर चलते हैं और फर्स्ट राइड को इंजॉय करते हैं। याहू! इसके तो मज़े ही कुछ और हैं भाई। ये एरिया मेरे घर से थोड़ा सा आगे जाके राइट पे ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और यहाँ से जो है ना 3 जो है ना वेज जाते हैं राइट साइड पे, इधर से भी एक जा रहा है और देन ये स्ट्रेट, देन यहाँ से लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे अभी तो मुझे कोई बोर्ड एक घर में वो आगे कहीं नज़र आ रही है। मोस्टली यहाँ पे जो है ना लोग बोर्ड्स भी अपनी जो होती हैं वो चलाते हैं। किसी दिन दिखाऊंगा डकी डकी। हेलो, वो रही एक बोट मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, मोटर वाली बोट नहीं चलेगी यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसकी जो है ना डेप्थ नहीं है। ये बामुश्किल 2-3 feet आप कह लें इस तरह से होगा। वेल, ये वीडियो बहुत पुरानी थी, मैं इस तरीके से ज़ैनब को सिखा रहा था कि ये इस तरह से राइड करते हैं। और ये मैंने वीडियो अपलोड भी इसलिए नहीं की थी क्योंकि मेरा और ज़ैनब का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ये आई थिंक लास्ट ईयर की वीडियो है, 4-6 months पहले की है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ज़ैनब अब ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।